हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक लेशियस। आज मैं आपको रावस फिश करी की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए आप देख लीजिए। रावस फिश करी के लिए ये मैंने फिश लिया है रावस। अभी हम इसको साफ करके अच्छे से क्लीन करके पीसेस में रेडी रख लेते हैं। ये देखिए, मैंने रावस मच्छे अच्छे से साफ करके रख लिए हैं और उसके पीसेस करके रेडी रख लिए हैं। और उसका मसाला के लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, डेढ़ चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर लिया है, एक चम्मच जीरा लिया है और आधा चम्मच काला मिरी ली है। और ये मैंने चार मीडियम साइज टोमेटोज लिए हैं और दो कांदा लिए हैं, जिसको हम बारीक पीस के पेस्ट बना के रेडी रख लेंगे। और ये मसाले को भी पीस लेंगे। बघारने के लिए मैंने एक कांदा लंबा लंबा स्लाइस करके रख लिया है, आधा चम्मच मेथी दाना लिया है और आधा चम्मच राई लिया है। और ये मैंने एक नींबू का साइज का इमली ली है, जिसको मैंने पानी में भिगा के रख लिया है। तो मैंने मसाला पीस के रेडी रख लिया है। कढ़ाई में मैंने चार चम्मच तेल डाल दिया है। अभी राई और मेथी डालेंगे पहले। ये देखिए, राई और मेथी हो गया है। अभी हम इसमें कांदा डाल के फ्राई करेंगे। कांदा अच्छा लाल होने तक फ्राई करेंगे। कांदा देखिए अच्छा लाल हो गया है। अभी जो मसाला हमने पीस के रखा है वो इसमें डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे तेल छूटने तक। तो देखिए, हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है, तेल छूटने लगा है साइड से। अभी इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, नमक और इमली का जूस ऐड कर देंगे। इमली का जूस डाल दिया मैंने, नमक भी डाल दिया मैंने और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ग्रेवी को अच्छा बॉइल करने के लिए छोड़ देंगे। और करी पत्ता डाल देंगे। ये देखिए, हमारा ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी हम इसमें मच्छी डाल देंगे। सारे मच्छे इसमें डाल देंगे और ढक के 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। मच्छी जल्दी पक जाता है। सारे पीसेस अच्छे से एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस एडजस्ट कर दिए हैं। अभी ढक के हम इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए, हमारा रावस का सालन कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना अच्छा कलर आया है, बनके गर्मा गर्म तैयार हो गया है। ये देखिए, हमारा रावस का सालन बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसको हरा धनिया डाल के गार्निश कर देंगे और थोड़ा कड़ी पत्ता भी ऊपर से ऐड कर देंगे। तो देखिए, हमारा गर्मा गर्म रावस सालन बनके तैयार हो गया है। बहुत टेस्टी है, बहुत इजी भी है। आप इसको एक बार जरूर बनाइए। आप इसको राइस के साथ, रोटी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। रावस करी आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।